हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। देखिए, आप सभी को पता है कि मार्केट के अंदर इस टाइम करेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनमें सभी में बड़ी गिरावट है और कहीं ना कहीं इसी वजह से FPO जो लेके आया था अडानी एंटरप्राइजेज, वो भी कैंसिल कर दिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है, हम बात करेंगे इस वीडियो में लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, IEX की और साथ ही साथ में KPIT टेक की, जिसके अंदर आज एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 275.30 रुपये पे आज के दिन अपनी क्लोजिंग दी है, 1.51% की तेजी है। अगर आज का इंट्राडे हाई देखें तो ऑलमोस्ट 279.90, 280 रुपये के आसपास तक का हाई जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने आज के दिन में लगाया है। देखिए, स्टॉक जो है करेक्शन में लगातार हमें देखने को मिला है क्योंकि इसके Q3 के जो नंबर्स थे वो ज़्यादा अच्छे हमें नहीं देखने को मिले थे। फिर भी लास्ट क्लोजिंग 271.20 रुपये पे थी, उसके मुकाबले देखे तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ जो है आज स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर आप इसका एक साल का चार्ट देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का तो ऑलमोस्ट 43% के आसपास तक की करेक्शन जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हमें बीते एक साल के अंदर देखने को मिली, क्योंकि एक साल पहले स्टॉक 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज वही स्टॉक 275 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिल जाता है, बाई लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज टारगेट ऑफ 376 के आर चौकसे एक जो है रिसर्चिंग फर्म है और उसकी तरफ से जो है बड़े टारगेट्स देखने को मिल जाते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग। 376 रुपये के आसपास का टारगेट रखा गया है। KR चौकसे इज बुलिश ऑन लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज हैज रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 376 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड 30 जनवरी 2023। तो एक अपसाइड मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर और टारगेट जो है KR चौकसे की तरफ से जो है यहाँ पे 376 के ऑलमोस्ट 100 रुपीज अपसाइड के जो है टारगेट्स रखे गए हैं। वी रिवाइज आवर टारगेट प्राइस एट ₹ 376 बाई असाइनिंग PE मल्टीपल ऑफ 24:0 टू फाइनेंशियल ईयर 25 PEPS एंड रोलिंग ओवर आवर एस्टिमेट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 वाइल मेंटेन आवर बाय रिकमेंडेशन अपसाइड 41%। तो एक अच्छी तेजी का अनुमान जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर देखने को मिल सकता है हमें शॉर्ट टर्म के अंदर। और अगर आज का वॉल्यूम देखें तो बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 355,411 शेयर्स का। बाइंग ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स 13,283 शेयर्स और 9,565 शेयर्स जो है सेलिंग क्वांटिटी में देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर 636 करोड़ का रिवेन्यू जरूर जनरेट किया था लेकिन जो नेट प्रॉफिट रहा था 34.46 के आसपास का लक्ष्मी ऑर्गेनिक का हमें देखने को मिला था, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले नंबर्स यहां पे अच्छे देखने को मिले थे। आज की टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 36,472 है, वॉल्यूम 3.5 लाख का और क्वांटिटी ट्रेड हुई है सिर्फ 36,472, ऑलमोस्ट 25% के आसपास की डिलीवरी आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हमें आती हुई देखने को मिली है। टेक्निकल चार्ट की करें तो ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास जो है स्टॉक देखने को मिल जाता है और वहां से थोड़ा सा बुलिश जो है इस टाइम लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखने को मिल जाता है। टेक्निकल्स की बात करें तो सेल की तरफ इशारा जरूर देखने को मिल रहा है लेकिन KR चौकसे की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है ये स्टॉक हमें बाय रिकमेंडेशन में देखने को मिल जाता 376 के टारगेट्स के साथ में। अगर बात करें अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तो ये स्टॉक देखिए एक पावर एक्सचेंज की तरह ही काम करती है कंपनी और इसमें जो गिरावट जो है वो भी ऊपरी स्तर से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 300 के आसपास का ये स्टॉक जो है हमें देखने को मिल जाता है और एक साल जो समय बीता है इसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं बल्कि गिरावट ही ज़्यादा देखने को मिली है, जबकि 2021 के अंदर इसी कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के भी दी थी। आज की क्लोजिंग 138.60 रुपये पे हमें देखने को मिल जाती है, जहां एक महीने की जो ओवरऑल गिरावट है वो 3% के आसपास की इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप लोग देख सकते हैं। एक साल की अगर गिरावट देखें ओवरऑल तो 41% के आसपास तक की गिरावट जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में हमें देखने को मिली और 97 रुपये तक की गिरावट देख सकते हैं आप। और मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे तो 165% के आसपास तक के रिटर्न्स जो हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी मैक्सिमम रिटर्न्स में बना के दिए भी हैं। आज का वॉल्यूम 32,12,837
शेयर्स का अच्छा खासा वॉल्यूम है 32 लाख के आसपास का, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा बाइंग और सेलिंग प्रेशर अभी भी स्टॉक के अंदर लगा हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग के जरिए पैसे अर्न करना चाहते हैं वो भी फ्री कॉल्स के जरिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर पीएनएल की मैं बात करूँ आईएक्स की, तो देखिए सेल्स 2014 में 174 करोड़ की थी, जो फिर 176 करोड़ हुई, 199 करोड़, 230 करोड़, और लास्ट में अभी 406 करोड़ की सेल्स है। तो 406 करोड़ की लगातार सेल्स इंक्रीज हुई है कंपनी की, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 136 करोड़ से बढ़कर 338 करोड़ के आसपास का आप लोग देख सकते हो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 83% का। तो कंपनी भले ही इस टाइम करेक्शन में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सेल्स जो है, प्रॉफिट जो है, वो लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। और आईएक्स जो है एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बात करें इसके ईपीएस की, तो 3.23 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है, और नेट प्रॉफिट 291 करोड़ का है। तो लगातार इंप्रूवमेंट है कंपनी की सेल्स में, रेवेन्यू में और प्रॉफिट के अंदर। तो एक रिस्की स्टॉक बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा, और एफआई का स्टेक 15.49 है। दिसंबर के अंदर थोड़ा सा करेक्ट जो है गिरता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन यहाँ पे डीआई का भी स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, और पब्लिक का स्टेक इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुका है। तो कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म बिल्कुल इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। केपीआई की टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो आज के दिन बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है, 6% से ऊपर की तेजी के साथ स्टॉक ने आज अपनी क्लोजिंग दी, और 800 रुपये के आसपास का हाई भी जो है स्टॉक ने आज इंट्राडे के अंदर लगाया, जहाँ प्रीवियस क्लोजिंग 742 रुपये 60 पैसे पे देखने को मिली थी। आज की तेजी की अगर मैं बात करूँ, तो इस तेजी की जो मेन वजह है वो रही है इसके क्वार्टर थ्री के नंबर्स। तो देखिए दिसंबर की जो अर्निंग कॉल्स थी, ईपीएस जो है बीट किया है 7.55% के साथ में, तो बहुत ही तेजी जो है स्टॉक में बनती नजर आई है आज के दिन में। और अगर इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स देखें, तो सेप्टेम्बर क्वार्टर के मुकाबले रिवेन्यू जो है 26% इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, नेट इनकम 28%, डायल्यूटेड ईपीएस जो है वो भी 28%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.72% दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। केपीआईटी टेक्स शेयर जंप्स 10% टू हिट 52 वीक हाई, शुड यू बाय सेल और होल्ड। तो आज के दिन 10% के आसपास की तेजी जो है इंट्राडे हाई में देखने को मिली, और यहाँ पे जो है एक नया 52 वीक हाई केपीआईटी टेक ने बनाया है। तो कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स थे वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 104 करोड़ के आसपास का दिसंबर क्वार्टर में हमें देखने को मिल जाता है, जो कि 48% तक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। बात करें इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, जिस कंपनी ने रिसेंटली 1:1 का बोनस जो है अनाउंस कर दिया था, और अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी आ चुकी है, 10 तारीख जो है इसकी रिकॉर्ड डेट है, 5% की तेजी आज भी शानदार स्टॉक में बनी हुई है। और अगर इसका 6 महीने के रिटर्न्स देखेंगे, तो 350% के रिटर्न्स जो है इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बना के दिए, जबकि मैक्सिमम रिटर्न्स 405% के हैं। अगर मैं बात करूँ अपडेट की, तो देखिए इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट जो है 1:1 का बोनस जो है, और फिक्स जो है वो फ्राइडे 10 फरवरी जो है ये डेट निर्धारित की गई है, जिस दिन 1:1 का बोनस जो है, अगर आप भी इस कंपनी के निवेशक हैं, तो आपको 1:1 का बोनस जो है 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।